गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम लोग नहावा के एकदम तैयार हो गए हैं और मैं चाय के लिए अदरक कूट रही हूँ, इसलिए ऐसे खड़ी हूँ। अब हम लोग चाय बनाने जा रहे हैं और बाकी हमारा नाश्ता तो नियरली बन ही चुका है जो हमें खाना है। और आजकल हमारा नाश्ता ऑलमोस्ट फिक्स होता है, 4-5 नहीं नहीं क्या है, जैसे दूध मखाना फिक्स है क्योंकि कैल्शियम की सभी को ज़रूरत है तो वो बना रहता है। चाय फिक्स है, चाय तो फिक्स है। उसके बाद माइट भी सूप या स्प्राउट्स कुछ भी ऐसा हो सकता है क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है। तो हैप्पी वैलेंटाइन डे। थैंक यू, सेम टू यू। तो इसीलिए मैं भी आज तैयार हो गया, नहावा लिया। नहा लिया? हाँ। तो अब झूठ ऐसे तुम्हें लगता है झूठ। तो आज हमारी छोटी सी पार्टी भी है हमारे पड़ोस में, हमारे अंकल जी जो मैं तिवारी अंकल हमेशा बोलती थी, जिनका घर बगल में मैंने दिखाया भी है, तो वो अंकल के घर क्योंकि वो कल आए तो उन्होंने बोला नहीं मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी तो बनती है, तो आज उन्होंने भी हमें बुलाया है। तो तो इसीलिए आज बेटी नाश्ता और खाना नहीं खाएगी ताकि न्योते में अच्छे से खा सके। और फिर हम न्योते में जाएंगे, पता नहीं हम वो शूट करेंगे या नहीं क्योंकि वो दूसरे के घर पे है, मोस्टली नहीं कर पाएंगे। पर हाँ, हम आपको अपडेट है कि आज हमारा वैलेंटाइन डे पे न्योता भी है, तो हम वैलेंटाइन डे का न्योता वहीं मनाएंगे। सामने ये देखो, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम ना ये पैकेट खोले थे, अब इसको वापस से ना सील करेंगे। अरे मेडिकल स्टाफ से देखो ये वाला, तो ये खराब नहीं होगा। देखो सील हो गया, हो गया ये देखो। और पापा दीदी से बात कर रहे हैं। और ये हमारा, हमने देखो मूंग दाल खाया। ये देखो, आज बहुत बोलने के बाद, बहुत डांट खाने के बाद ये इंसान फाइनली एक्सरसाइज करने आए हैं। हाँ, वो तुम्हारी हालत बता रही है, रोज करते हो कि नहीं? देखो देखो देखो, ये भी हंसने लगी। देखो जब डांट खाने लगा तो ये भी खूब हंस। हाँ, तो मैं डांट खा रही थी तो ये मजे ले रहे थे, तो मैं क्यों नहीं लूं? प्रतिस्पर्धा चल रही है यहाँ डांट खाने की। देखो देखो, ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा डांट खाने के बाद हुआ है। दीदी का बहुत कॉल आया था, दीदी ने भी बातें सुनाई हैं, तब जाके ये बंदा इस साइकिल पे चढ़ा है। मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी, मैं अभी डाल रही हूँ। हाँ, मजा नहीं आएगा। देखो शबाश शबाश करो। तो गाइज, मैंने आपको बोला था कि मैं मेरी जो भी मैंने शॉपिंग की वो सारी शॉपिंग मैं आपको 12 तारीख को दिखाऊंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलते ना डेकोरेशन में, फिर पार्टी वगैरह करने में, फिर हम लोग इतना थक गए कि फिर नहीं हो पाया, तो मैं अब आपको दिखा रही हूँ। तो गोल्ड में जैसे कि ये मैंने नोज़ रिंग ली थी, मैं एक्चुअली काफ़ी बड़ा पहनती थी जो कि मुझे आदत नहीं थी, तो मैंने इसलिए गोल्ड की अब एकदम छोटी सी डायमंड वाली ली है ताकि ये बहुत ज़्यादा ना लगे। दूसरा मैंने ये मंगलसूत्र लिया है गोल्ड का, क्योंकि मुझे डेली वेयर के लिए चाहिए था, तो ये मैंने मंगलसूत्र लिया है, सिंपल काफ़ी पैटर्न का है। और जो मैंने आर्टिफिशियल लिया है वो मैं दिखाती हूँ आपको एक वन बाय वन। पहला तो ये है, ये आपको ये सेम मैंने मिंत्रा पर देखा है, आप ढूंढोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। और इसका कॉस्ट कुछ 1132 या 36 कुछ ऐसा ही था,
इस नेकलेस का, जो कि मुझे बहुत 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 सस्ते में मिल गया था उस मार्केट में, क्योंकि वो मार्केट थी ही ऐसी। तो ये देखिए, एकदम फिनिशिंग अच्छा है, मैट फिनिश का है। इसकी इयररिंग मैं दिखाती हूँ, इयररिंग भी बहुत प्यारी है। और सबसे अच्छा है ना कि इसमें जो कलर है वो लाइट ग्रीन और पीच में है, तो मतलब ये बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद मैंने और लिया है, ये देखिए, ये मेरी अनदर ज्वेलरी है। ये भी मुझे बहुत सस्ते में मिली। अगर आप ये किसी भी ऑनलाइन पे देखेंगे तो इसका रेट कुछ नहीं तो भी 500-600 अमेज़ॉन पे, मिंत्रा पे देखेंगे, फ्लिपकार्ट पे, तो ये सारे पल्स टाइप की चीज़ों का रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये मुझे ये सारी चीज़ें मुझे बहुत सस्ते में मिली हैं, तो इसलिए मैंने काफ़ी सारे ले लिए। इसकी इयररिंग दिखाती हूँ मैं, ये देखिए, इयररिंग भी एकदम सिंपल है। इसको आप सूट पे भी पहन सकते हैं, सलवार सूट पे। और ये इसके साथ मांग टिक्का भी है, अब प्यारा एलिगेंट सा है। सेम मैंने जैसे ये ब्लू में लिया है, वैसे ही मैंने दूसरा एक और पीच कलर में लिया है, बिकॉज आप लोग को पता हो गई कि आजकल ट्रेंडिंग सबसे ज़्यादा पीच और ये ब्लू कलर है, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो इसलिए मैंने ये दोनों ही कलर ले लिए। और ये है मेरा पिंक वाला, ये देखिए, इसमें भी सेम इयररिंग और मांग टीका है, सेम इयररिंग और ये मांग टीका, देखो सेम है। और हाँ, मेरी बहन ने ना मुझे मेरे एनिवर्सरी पे भी गिफ्ट दिया था, बहुत प्यारा है गिफ्ट है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी गिफ्ट है। तो ये चोकर देखो कितना क्लासी है, ये देखो बहुत अच्छे। उसकी इयररिंग भी मैं दिखाती हूँ, ये देखो, देखो बहुत प्यारी है। इस पे मांग टीका नहीं है, नेकलेस देखो, और इसका मीना का काम है और कितना फाइन काम है। तो पहला तो है ये टॉप, ये मैं दिखा, ये सारा कुछ मैंने बहुत अच्छे दाम में लिया है। तो ये देखिए, और ये गर्मियों के लिए लिए हैं मैंने, एकदम लूज कपड़े, क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी बहुत होती है। तो एक ये कुर्ता पैटर्न लिया है, शॉर्ट कुर्ता टाइप, तो ये आप जीन्स पे पहन सकते हो घर में, या ये है शॉर्ट कुर्ते जैसे होते हैं ना वैसे है, तो आप जीन्स पे पहन सकते हो, किस पे भी पहनना तो पहन सकते हो। दूसरा ये सलवार सूट है, कॉटन का है, तो ये भी मैंने उसी दिन खरीदा था एनिवर्सरी के ही टाइम पे। ये देखो, ये है उसका सलवार, इलास्टिक वाला और प्रिंटेड ही है, और सेम इसी में कुर्ता भी है इसका, ये देखो कॉटन है, और मैंने थोड़ा बड़ा साइज ही लिया है, ये देखो कॉटन, ये मैंने रखा इसके लिए, वो क्रीचेस आ गए। तो ये एक है, बहुत डिसेंट कलर है, देखिए अच्छा लुक अच्छा आता है ये कलर में, ये लिया है। और दूसरा ये कुर्ता, ये मैंने ट्राई किया था, तो ये तो मैंने, ये जो बादनी पैटर्न होता ना, बादनी पैटर्न की साड़ियां उस पे जो डिजाइन होती है, ये वैसे पैटर्न का है, तो मटेरियल इसका कॉटन है बट डिजाइन बादनी का है, और ये बहुत प्यारा कलर है स्काई ब्लू। तो ये, और ये है उसका सलवार, देखो कितना सही है, ये सब मुझे बहुत अच्छे दाम में मिल गए थे। तो ये थी मेरी पूरी शॉपिंग जो कि मैंने की थी मेरे फर्स्ट एनिवर्सरी पे। तो बस यही था जो मैं आपको बोल रही थी दिखाऊंगी। को मेरा एक और पार्सल आ गया है, ये गिफ्ट भी मेरी दूसरी बहन है ना अन्नू, उसने भेजा है मैरिज एनिवर्सरी का, उसका थोड़ा लेट आया 2 दिन, तो अब मैं ले रही हूँ। और ये देखो ये पप्पी,
तो ये मेरा एक और पार्सल और गिफ्ट आप बोल सकते हैं, ये मेरी बहन ने भेजा है अन्नू ने। मैंने ना उनको पहले ही बता दिया था मुझे क्या गिफ्ट चाहिए, मैं इतनी स्मार्ट हूँ। कितनी प्यारी अरिंग, ये मैंने पहले ही बोल दिया था मेरे को ये देना, मस्त है ना ये, उस पे मैचिंग है ना उस हार पे। ये एक्चुअली ब्लू ग्रीन या येलो कोई भी ड्रेस रहे सब पे जाएगा और अच्छा भी लग रहा है ना। तो गाइस आप एक चीज समझ सकते हैं, मैं समझ गया कि आपको जो चाहिए आप पहले से सबसे मांग लें। हाँ जब उनको गिफ्ट देना ही है तो पहले बता देने का, मेरे तो को पहले मांग ले, मैं भी अगली बार से पहले मांग लूंगा। मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी, मैं भी अपनी लिस्ट पहले ही बना के सबको भेज दूंगा। हाँ भेज देने का, जब गिफ्ट दे ही रहे हो तो हमारे पसंद का दो ना, अपने पसंद का देके क्या करोगे। तो आप आज की सीख आप इनसे ये ले सकते हैं। हाँ जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हमें एक हमारे पड़ोस की पार्टी में जाना है, क्योंकि वो परसों थे नहीं मैरिज एनिवर्सरी के दिन, तो आज उन्होंने हमारे लिए एकदम प्रॉपर लंच वंच बना के हमें बुलाया है। तो पापा मम्मी तो चले गए हैं, चले गए और अभी मम्मी तो पहले चली गई थी थोड़ा हेल्प वेल्प करने, पापा भी चले गए हमारा वेट करते और अब हम दोनों जा रहे हैं, हम जा रहे हैं।